एपिसोड 36 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। तभी टोंगसेन अपना पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी पर हमला कर देता है। एक लड़का बोलता है, ये तो डेमोनिक टाइगर क्लॉ है। हिंगटिन अपने मन में बोलता है, धत्तेरी की, मैं इसके हमले से बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसके हमले को रोक सकता हूँ। और वह जैसे हमला रोकता है, उसका हाथ पूरी तरह टूट जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी टोंगसेन दूसरे आदमी पर हमला करने जाता है। वो लड़का जल्दी से दूर हट जाता है और बोलता है, हे की, अगर तुम इस पर हमला नहीं करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी की एक बेल निकाल लेता है। जिन ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, ये तो हार्ड बेल है, ये एल्डर की का सबसे ताकतवर मैजिक टूल है। इससे वो आदमी हेलुसिनेशन में चल जाता है। जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जिसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, वही से हेलुसिनेशन से बाहर निकल सकता है। तभी टोंगसेन अपना ताकत का इस्तेमाल करता है और की का मैजिक बेल पूरी तरह टूट जाता है। ये देखकर वो शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जिन लीडर बोलता है, ये किस तरह का आवाज था, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, धत्तेरिकी, ये टोंगसेन मुझ पर हमला करने वाला है। तभी टोंगसेन आकर उसका हाथ काट देता है और वो अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से बच के निकल जाता है। तभी चैन बोलता है, हे लू, तुम्हें अभी भी लग रहा है मुझे लू फैमिली की जरूरत है। लॉन्ग बोलता है, मिस्टर चैन, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गया है, क्या आप ये मामले को जाने देंगे यंजू के खातिर। चैन बोलता है, जाने दो, तुम लोग अपना ताकत दिखा रहे हो और मैं अगर यहाँ से हिला तो तुम लोग मुझ पर हमला कर दोगे ना। लू फैमिली दूसरे सेक्टर से मिलकर मुझ पर हमला किया है और आप चाहते कि मैं इस मामले को ऐसे ही जाने दूं। लू बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो। चैन बोलता है, अगर तुम इस मामले को रफा दफा करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना ताकत दिखाना होगा। फिर टोंगसेन उस पर हमला करने जाता है। लू अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, मैं टोंगसेन के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी लॉन्ग बोलता है, ठीक है, मैं इससे लड़ूंगा। तभी एक आदमी आकर टोंगसेन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, कितना ताकतवर है ये। दूसरा आदमी बोलता है, ये है कौन। टोंगसेन बहुत ही आराम से सभी मास्टरों को हरा रहा था। तभी लू खुश होकर बोलता है, मास्टर, आप आ गए। सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये तो लू फैमिली का मास्टर है, ग्रैंड मास्टर टैन फैंग। दूसरी तरफ यंजू बोलती है, हे यू, मुझे जाने दो। वो उसे रोकते हुए बोलती है, हे यंजू, मेरी बात सुनो। यंजू बोलती है, हे ऊ, क्या लू फैमिली चैन से लड़ने वाली है क्या। वो बोलती है, यंजू, ये फैमिली का डिसीजन है, हम लोग इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। यंजू बोलती है, तुम पहले मुझे चैन को दे दी थी और अगले ही पल में तुम लोग उससे लड़ने जा रहे हो। वो बोलती है, चिंता मत करो, जब हमें पिल रेसिपी मिल जाएगा चैन से, हमारे फैमिली के लिए वो एकदम बेकार होगा, फिर हम लोग आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का खोजेंगे। यंजू बोलती है, टोंगसेन हैंगलिन मास्टर है, उससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बोलती है, हमारा मास्टर ट्रेनिंग करके वापस आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैन का बैकग्राउंड कितना ताकतवर है, वो अब कुछ कर नहीं सकता है। यंजू शॉक्ड होकर बोलती है, क्या मास्टर ट्रेनिंग करके वापस आ गया। वो बोलती है, लेकिन तुम चैन फैन क्यों बोल रही हो, वो चैन बैक्सियन है ना, चैन फैन सुझाव का, ये तो मास्टर चैन है ना। वो अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, ये चैन बैक्सियन असल में मास्टर चैन है, मास्टर अभी तक लड़ाई नहीं किया ना उनसे। यंजू बोलती है, हे यू, क्या हो गया तुम्हें अचानक, कहाँ जा रही हो। वो बोलती है, हे क्या तुम्हें पता नहीं है क्या चैन फैन के बारे में। दूसरी तरफ चैन फैन बोलता है, तुम इतने कमजोर लड़के को संभाल नहीं पा रहे हो, अगर लू फैमिली को कोई रेसिपी चाहता है तो वो ले लेता है, एक साथी बनाने की क्या जरूरत है। लॉन्ग बोलता है, ठीक है मास्टर। चैन बोलता है, सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा भाव है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पिल रेसिपी दे दूंगा। टैंग फैंग बोलता है, जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को शांत रहना चाहिए। फिर वो चैन पर हमला कर देता है, लेकिन टोंगसेन बीच में आ जाता है। टैंग फैंग बोलता है, सही में तुम्हारा फॉलोअर्स का स्किल बहुत ही बेहतर है, लेकिन तुम्हें लू फैमिली से उलझना नहीं चाहिए था, अगर तुम पहले ग्रैंड मास्टर को देखे होते फिर तुम्हें पता होता कि ग्रैंड मास्टर कितना ताकतवर होता है। फिर वो टोंगसेन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। तभी टोंगसेन अपना ताकत और इस्तेमाल करने लग जाता है और टैंगफेंग अपने एक कवच में चल जाता है। टोंगसेन उसके कवच पर हमला करता रहता है। फिर टोंगसेन धीरे धीरे रस्सी में लपटा जाता है। जिन बोलती है, सही में ये ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं मेडिसिन वैली का मास्टर इतना ताकतवर होगा कि नहीं। टैंगफेंग टोंगसेन को मार डालता है और बोलता है, अब बताओ, अब तुमने देख लिया एक ग्रैंड मास्टर का ताकत, अब बस तुम बाकी हो, अब बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। फिर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। एक लड़का बोलता है, चैन बैक्सियन एक चूहा की तरह फंस गया है। दूसरा आदमी बोलता है, अब सरेंडर करने के अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं है। चैन बोलता है, ये तो एक ग्रैंड मास्टर है, इतना भी खास नहीं है। टैंगफेंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम ग्रैंड मास्टर का इंसल्ट कर रहे हो, अब तुम मरोगे। ये बोलता है, ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, अब ये रेसिपी का परवाह नहीं करेंगे। यो अपने मन में बोलता है, तुमने मेरी इंसल्ट किया था ना, इसका बदला अब ये लेगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, मास्टर संभल के, ये जांगबी का चैन है। टैंगफेंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या। तभी चैन उस पर मुक्को से हमला कर देता है। टैंगफेंग अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी चैन उसे एक जोर से मुक्का मार देता है।
और वो जाकर दूर फेंका जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो ग्रैंड मास्टर को हवा में ही हरा दिया। वो बोलती है, मुझे पता था यही कुछ होने वाला है। चैन तियांगफेंग को बोलता है, किसने कहा कि तुम ही एक ग्रैंड मास्टर हो? तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, रुको, ये जांगबी का मास्टर चैन है। ऐसा बोला जा रहा था कि एक बच्चा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे लगा कि ये मजाक है। इसने मेरा इज्जत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर वो गुस्से में बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैन बोलता है, लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं हो। फिर मैं तुम्हें मार के समझाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर वो अचानक उसके सामने में पहुंच जाता है और उसे एक जोर से पंच मार देता है। तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, ये तो ताकतवर है, यह टोंगसेन से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये इतना कैसे ताकतवर हो सकता है? क्या ये हैंगलियन ग्रैंड मास्टर है क्या? मुझे इसका मुकाबला सही से करना होगा। फिर वो चैन को जकड़ने लग जाता है। एक लड़का बोलता है, चलो देखते हैं ये इसके हमले से कैसे बचता है। ग्रैंड मास्टर इसका इस्तेमाल करके टोंगसेन को मार डाला। अब देखते हैं कि चैन इसके हमले से कैसे बचता है। फिर चैन अपने मन में बोलता है, सेकंड स्टाइल रियल मार्शल आर्ट 36 स्टाइल। तियांगफेंग शॉक्ड होकर बोलता है, ये किस तरह का मूव है? चैन बोलता है, क्या हो गया, शॉक्ड हो गए हो क्या? तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, क्या यूनिटी मैन और हेवन है क्या? ये अपने आस पास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरे पास जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये इससे भी ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है, अब मेरे हमले से बचो। तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसके हमले को रोक नहीं पाया तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। फिर चैन अपने मन में बोलता है, मैं सही में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं अपना गोल्डन आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता इस पर, नहीं तो ये जल के राख हो जाएगा। तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? इसका फिजिकल बॉडी हैंगलियन ग्रैंड मास्टर की तरह ताकतवर है। ये सिर्फ 18 साल का है और पता नहीं ये कितना ट्रेनिंग किया होगा। उन दोनों का फाइट देखकर सभी लोग बोलते हैं, क्या ये लोग इंसान है ना? अभी इन लोगों के बीच में जो भी आएगा वो सही में मारा जाएगा। दूसरी तरफ तियांगफेंग अपने मन में बोलता है, मैं इस पर हमला नहीं कर पा रहा हूँ, इसके हमले से मेरा मुंह से खून निकलने लग गया, सही में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ जिन बोलती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे भी शक हो रहा है कि मेरा मास्टर इसके सामने टिक भी पाएगा कि नहीं। गी बोलता है, मैं गलत था कि ग्रैंड मास्टर इसे हरा पाएंगे। लू अपने मन में बोलता है, मास्टर को किसी तरह इसे हराना ही होगा, नहीं तो पूरा लू फैमिली चैनफेंग के हाथों से मारा जाएगा। दूसरी तरफ चैन उसका पांव पकड़ लेता है और बोलता है, मैं आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। फिर वो उसे उठाकर फेंक देता है और बोलता है, अब बताओ क्या तुम समझ गए कि मैं कितना ताकतवर हूँ? तियांगफेंग बोलता है, हाँ मैं मान गया कि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ से निकल पाया तो मैं आगे चलकर तुम्हें मार पाऊंगा, अभी मैं हार मान लेता हूँ। आगे चलकर मुझे तुमसे बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा समय मिलेगा और मैं उस समय तुमसे बदला लेकर रहूंगा। चैन बोलता है, ठीक है तुम्हें पता चल गया कि मैं ताकतवर हूँ, अब मर जाओ। फिर चैन तियांगफेंग को मार डालता है। ये देखकर लॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है, चैन मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन बोलता है, लगता है कि तुम्हें मास्टर का बहुत ही याद आ रहा है, चलो मैं तुम्हें मास्टर के पास भेज देता हूँ। फिर वो उसे भी मार डालता है। गी अपने मन में बोलता है, लू फैमिली का बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, लेकिन लू फैमिली से वो लोग भी डरते हैं। लेकिन चैन ने बिना सोचे समझे तियांगफेंग और लॉन्ग को मार डाला। चैन बोलता है, अगर तुम लोग समझ गए कि मैं ताकतवर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं। एक आदमी चिल्ला के बोलता है, हे ग्रैंड मास्टर चैन, तुमने हमारा मास्टर और लॉन्ग को मार डाला, क्या आप पूरे फैमिली को मारना चाहते हो? दूसरा आदमी बोलता है, ये लू फैमिली को खत्म करेगा तो इस मामले में गवर्नमेंट आ जाएगा, क्योंकि लू फैमिली बहुत ही बड़ा है। चैन बोलता है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो फिर मैं क्यों नहीं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूं। उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, लू फैमिली ग्रैंड मास्टर चैन के साथ है। चैन बोलता है, और बाकी के सभी लोग बोलते हैं, हम लोग अपना हार मानते हैं। गी बोलता है, ग्रैंड मास्टर चैन आप ताकतवर हो, लेकिन वैल्यू मेडिसिन का मास्टर डिवाइन मास्टर है, और वो वैल्यू में और भी ज्यादा स्किल मास्टर भी है। कैसा रहेगा कि हम लोग ये मामले को यही रोक दें? हम लोग आपसे माफी भी मांगने के लिए तैयार है। चैन बोलता है, ओ तुम डर गए, और उसके सामने एक पिल फेंक देता है। गी वो पिल को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत चैन बैक्सियन, अब बस बहुत हो गया। चैन बोलता है, तुम मुझे इससे रोकोगे? फिर वो उसे बीच से काट डालता है। फिर चैन चिल्ला के बोलता है, ठीक है कौन नहीं माना कि मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। फिर सभी लोग डर के मारे अपना सर झुका लेते हैं।